हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश वर्ल्ड। फ्रेंड्स, जो लोग बहुत दिनों से खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा 2019 का वेट कर रहे थे, उनका इंतजार समाप्त हो चुका है और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने संक्षिप्त विज्ञापन खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा 2019 का जारी कर दिया है। तो अभी ये संक्षिप्त विज्ञापन है और आज से इसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएगा और आज शाम तक इसका विस्तृत विज्ञापन भी वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा। तो जैसे ही विस्तृत विज्ञापन आता है, जारी होता है, वैसे उसका कंप्लीट डिटेल क्या है, उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगी क्या, कितना फीस होगा, क्या है, तो इस 309 रिक्तियों की जो संख्या है उसकी भर्ती का मैं कंप्लीट डिटेल आपको अवेलेबल कराऊंगी, वीडियो अपलोड करूंगी। तो चलिए पहले इसको देख लेते हैं, क्या है ये शॉर्ट में संक्षिप्त विज्ञापन। तो ये इस परीक्षा का विस्तृत विज्ञापन दिनांक 13/11/2019 से आयोग की वेबसाइट http://upsc.up.nic.in पर उपलब्ध रहेगा। आज से ये आ जाएगा इसका विस्तृत विज्ञापन, जिसमें ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया, शुल्क जमा करने की प्रक्रिया, जाति प्रमाण पत्रों का प्रोफॉर्मा, परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम, परीक्षा केंद्रों के जिलों का नाम, आरक्षण एवं आयु में छूट के संबंध में निर्धारित महत्वपूर्ण निर्देश आदि उपलब्ध रहेंगे। अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन देखने के पश्चात एवं अहर होने की स्थिति में ही आवेदन करें। तो ये इसमें इन्होंने बताया है रिक्तियों का विवरण। वर्तमान में रिक्तियों की संख्या 309 है, जो कि विशेष परिस्थितियों में विभाग शासन के अनुरोध पर घट बढ़ सकती है। फिर इस प्रेजेंट टाइम में तो 309 वैकेंसीज के लिए विज्ञापन आएगा, लेकिन आगे चलकर बढ़ भी सकती हैं और घट भी सकती हैं। शैक्षिक अर्हता, जैसे कि विस्तृत विज्ञापन के बिंदु 10 शैक्षिक अर्हता में दिया गया है, अभी विस्तृत विज्ञापन आया नहीं और आज आ जाएगा, तो उसमें जो पॉइंट 10 होगा, बिंदु 10 है, उसमें शैक्षिक अर्हता अंकित है और जैसे ही आता विस्तृत विज्ञापन उसको देख के हम बताएंगे इसकी क्या इन्होंने क्वालिफिकेशन रखी है इस एग्ज़ाम में अपीयर होने की। तो बिंदु 10 शैक्षिक अर्हता में दिया गया है। आयु सीमा, चयन हेतु अभ्यर्थियों को 1 जुलाई 2019 को 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए और उन्हें 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए, अर्थात उनका जन्म 2 जुलाई 1979 से पूर्व तथा 1 जुलाई 1998 के बाद का नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार दिव्यांग जन हेतु अधिकतम आयु 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, अर्थात उनका जन्म 2 जुलाई 1964 के पूर्व का नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की विभिन्न श्रेणियों के अभ्यर्थियों जिनका विवरण विस्तृत विज्ञापन के बिंदु 11 में दिया गया है, के लिए नियमानुसार आरक्षण अधिकतम आयु सीमा में शिथिलता अनुमन्य होगा। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 13/12/2019 है, मतलब आज से ऑनलाइन आवेदन इसका स्टार्ट हो जाएगा 13/12/2019। ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि 10/1/2020 है, मतलब 10 जनवरी 2020 तक इसका परीक्षा शुल्क ऑनलाइन जमा किया जा सकता है और ऑनलाइन आवेदन सबमिट किए जाने की अंतिम तिथि 13 जनवरी 2020 है। 13 जनवरी 2020 तक इसका ऑनलाइन आवेदन सबमिट करना है, इट मीन्स 1 मंथ का टाइम दिया जाएगा। तो ये आज इन्होंने संक्षिप्त विज्ञापन कल की डेट में जारी किया, 12 दिसंबर 2019 को प्रयागराज, और आज से इसका विस्तृत विज्ञापन आ जाएगा वेबसाइट पर। तो जैसे ही आता है मैं आपको अपलोड करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप तैयारी करते रहिए और मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू। और अगर अभी तो पहली बार है चैनल पर आप, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और न्यूज़ अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, विल मीट यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।